डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टेंथ, आज हम नया टॉपिक उठाने जा रहे हैं, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ट्रांसपोर्ट सिस्टम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जिसके जरिए सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल, इज मेड अप ऑफ सेल्स। ये हमें पता है, हर एक जानदार, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो होती है वो सेल्स की, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, वो सेल्स की बनी होती है। लार्ज ऑर्गेनिज्म, जो बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं, देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स इन देयर बॉडी। उनकी बॉडी में मिलियंस की तादाद में सेल्स होती है। इन ऑर्डर टू मेंटेन द ऑर्गेनिज्म, इन ऑर्डर दैट द ऑर्गेनिज्म मे बी एबल टू मेंटेन द लाइफ एंड सर्वाइव। अपनी ये ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ मेंटेन करने के, सर्वाइवल के लिए क्या करता है, All its cells must be supplied with essential substances. तो उसके ये cells जो होती है, इन cells तक कुछ essential चीजों का पहुंचना लाजमी है। That is, वो cells जो respiration करते हैं, क्योंकि हर एक cell respiration करती है, तो उन cellों में जो respiration होती है, उन तक कुछ चीजों का पहुंचना लाजमी है, तब जाके वो अपना गुजा बना सकते हैं, तब जाके वो energy release कर सकते हैं। That is, glucose एंड ऑक्सीजन, दैट इज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है, ये हर एक सेल, ये जो मिलियंस ऑफ सेल्स ऑर्गेनिज्म में होते हैं, हायर ऑर्गेनिज्म में, तो उन सेल्स तक ये ग्लूकोज ऑक्सीजन का पहुंचना लाजमी है। जब तक ना ग्लूकोज और ऑक्सीजन वहां तक पहुंचे, वो अपना गुजा नहीं बना सकते हैं। तो इन सब लाइक फूड होता है, ऑक्सीजन होता है, वाटर होता है, ये चीजें उस तक पहुंचनी चाहिए। तो कौन सा चीज इन चीजों को सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करता है, उसी को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। मतलब सेल तक ऑक्सीजन का पहुंचाना, सेल तक ग्लूकोज का पहुंचाना, प्लांट्स में सेल्स तक पानी का पहुंचाना, गुजा का पहुंचाना, ये जो पहुंचाते हैं, जो चीजें इन चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसी को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। दिस इज ट्रांसपोर्टेशन वन। सिंपली वन ऑफ इज ट्रांसपोर्टेशन, यूज हैज सच ट्रांसपोर्टेशन हैज गई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन, the distribution of food and oxygen to all parts of the body, to all parts of the body, to all parts of the body, as well as the removal of, as well as the removal of wastes, as well as the removal of wastes from the body, is called transportation. इसी को हम transportation कहते हैं। Transportation का मतलब होता है कि distribution of food and oxygen to all parts of, food और oxygen, या इसमें water भी आता है, and other substances to all parts of the body, ये जिसम के हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचे, एज वेल एज द रिमूवल ऑफ वेस्ट, और उन बॉडी पार्ट्स में जो वेस्ट्स बनते हैं उनका बाहर निकालना, वेस्ट्स फ्रॉम द बॉडी, उस बॉडी से बाहर निकालना, उसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है चीजों का पहुंचाना और वापस लाना, अहम चीजों का सेल्स तक पहुंचाना और सेल्स से वेस्ट को बाहर निकालना, उसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। नाउ ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, इट इज डिफरेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स में एक ध्याय है, ये जो है ये ट्रांसपोर्टेशन, ये प्लांट्स में और एनिमल्स में अलग अलग तरीके से होता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे
प्लांट्स में ये कैसे होता है, इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स में ये चीजें कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स इज लेस एलाबरेट देन इन एनिमल्स, वो ये उतना एलाबरेट प्लांट्स में जो है ये ज्यादा एलाबरेट नहीं है। और ये जो मैकेनिज्म है ट्रांसपोर्टेशन का प्लांट्स में, ये थोड़ा स्लो होता है, इट इज लेस एक्टिव इन प्लांट्स, इट इज लेस एक्टिव देन एनिमल्स। एनिमल्स में ज्यादा एक्टिव होता है ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, लेकिन प्लांट्स में ये लेस एक्टिव होता है। क्यों, इसमें क्या क्या मसला है, ये इसमें लेस एक्टिव क्यों होता है? क्योंकि सेल्स डू नॉट नीड टू बी सप्लाइड विद द मटेरियल सो क्विकली, क्योंकि एनिमल प्लांट्स में मसला इस तरह है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन, फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ये इसमें ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि प्लांट का हर एक पार्ट फोटोसिंथेसिस करता है। लीव्स अलग फोटोसिंथेसिस करते हैं, लीव्स भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, स्टेम भी करता है, हा? क्योंकि उसके स्टेम्स में अगर हम लीव्स लेंगे, लीव्स में स्टोमेटा होता है जहां से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस होता है। और इसी तरह अगर हम इसके स्टेम लेंगे तो इनमें लेंटिकल्स होते हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, जहां से ये ट्रांसपोर्ट होता है, गैसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं। क्योंकि ये लेस एक्टिव इसलिए कहा जाता है कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम थोड़ा लेस एक्टिव होता है एनिमल्स से, इसलिए क्योंकि प्लांट का हर एक पार्ट अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन करता है। क्योंकि जब लीव्स को गैसेस की जरूरत होती है तो वो खुद ले सकता है थ्रू सिटोमेटा, सिटम खुद ले सकता है थ्रू लेंटिकल्स। सिर्फ इसमें क्या होता है कि इसमें ट्रांसपोर्ट जो होता है ट्रांसपोर्ट ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि लीव्स अपने लिए खुद गुजा बनाते हैं सेल्स, और क्योंकि उनको गैस की जरूरत होती है, हा? तो वो खुद ले सकते हैं, सिस्टम खुद ले सकते, वो इसके जो पार्ट्स होते हैं अलग अलग वो गुजाती खुद एक्सचेंज आप गैसेस कर सकते हैं, क्योंकि गुजा बनाए सेल्स में रेस्पिरेशन के लिए इनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ऑक्सीजन जब सेल्स तक पहुंचता है वो ये खुद ले सकते हैं, ये पार्ट्स प्लांट के पार्ट्स खुद ले, इसलिए इसमें ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है एक पार्ट से लीव से जाके सिस्टम में या सिस्टम से जाके लीव्स में, वो नहीं होता है, क्योंकि लीव्स बजाय खुद अपनी अपने तरीके से करता है, सिस्टम बजाय खुद अपने तरीके से ये न्याय रेस्पिरेशन करता है। तो अब इसमें मसला ये है कि इसीलिए कहा जाता है कि इन इन में ये जो सिस्टम होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ये ज्यादा एक्टिव, नॉट नीड्स टू बी सप्लाइड विद मटेरियल सो क्विकली, इसको क्विकली मटेरियल सप्लाई करने की जरूरत नहीं होता है, क्योंकि ये लेस एक्टिव होते हैं ड्यू टू द ब्रांचिंग शेप ऑफ प्लांट्स, ड्यू टू द ब्रांचिंग शेप ऑफ प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स में जो ब्रांचिंग शेप होता है इसकी वजह से ऑल द सेल्स कैन गेट ऑक्सीजन, ऑल द सेल्स कैन गेट ऑक्सीजन, ऑल द सेल्स कैन गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन ऑल द सेल्स कैन गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन and carbon dioxide photosynthesis and carbon dioxide for photosynthesis carbon dioxide for photosynthesis directly from the air by diffusion directly from air by diffusion तो ये मसला होता है प्लांट्स में, ड्यू टू ब्रांचिंग शेप इन प्लांट्स all the cells can get oxygen from air by
कैन गेट ऑक्सीजन, जब सारी सेल्स जो इसके होते हैं वो ऑक्सीजन बुझाते खुद हासिल करते हैं फॉर रेस्पिरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए डायरेक्टली फ्रॉम एयर, ये हवा से डायरेक्टली इन चीजों को हासिल कर सकते हैं। लीव्स डायरेक्टली करते हैं, ब्रांचेस डायरेक्टली करते हैं और ये गैसेस हासिल सिस्टम डायरेक्टली करता है गैसेस हासिल बाय डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए। तो इसलिए हम कहते हैं इसमें ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स नहीं होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट। सो द ओनली सब्सटेंस विच आर टू बी सप्लाइड, तो इसमें सिर्फ एक सब्सटेंस जो सप्लाई होता है द ओनली सब्सटेंस विच आर टू बी सप्लाइड इज वाटर एंड मिनरल्स। सिर्फ इसमें क्या होता है जो कंप्लीटली इसमें सप्लाई होता है, ट्रांसपोर्ट होता है हर एक पार्ट में, वाटर एंड मिनरल्स। तो ये एक चीज जो है वाटर एंड मिनरल्स, ये हर एक पार्ट डायरेक्टली हासिल नहीं कर सकता है क्योंकि ये सिर्फ रूट्स के जरिए एब्जॉर्ब होता है जमीन में से। लीव्स बजाय खुद वाटर हासिल नहीं कर सकते हैं, स्टेम बजाय खुद वाटर हासिल नहीं कर सकते हैं, ब्रांचेस बजाय खुद वाटर हासिल नहीं कर सकते, सिर्फ इनके लिए एक ही वे है दैट इज रूट्स। तो ये रूट्स के जरिए वाटर एंड मिनरल्स हासिल करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। सो वी कैन से दैट द ओनली सब्सटेंस विच आर टू बी सप्लाइड, तो एक ही सब्सटेंस जो है जो इसमें सप्लाई होता है पूरे प्लांट में दैट इज वाटर एंड मिनरल। वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो सप्लाई होते हैं। तो इस तरह द प्लांट्स हैव टू टाइप्स ऑफ कंडक्ट। तो इस चीज को सप्लाई करने के लिए ये जो सप्लाई होता है ये नया ऑन द सब्सटेंस दैट इज वाटर एंड मिनरल्स जो सप्लाई करने की जरूरत है प्लांट्स में, द ओनली सब्सटेंस विच आर टू बी सप्लाइड इज वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में ये चीज सप्लाई करने की जरूरत होती है क्योंकि ये हर एक पार्ट हासिल नहीं करता है बजाती खुद, ये सिर्फ रूट्स के जरिए होता है। तो ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट्स है टू टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टू ट्रांसपोर्ट दिस। तो ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल्स प्लांट्स हैव टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग वेसल्स। तो ये चीजें ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसको दो कंडक्टिंग वेसल्स होती है, दो टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं इसमें। तो वो दो कंडक्टिव टिश्यूज आर वो कौन से हैं, नंबर वन इज जाइलम विच कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स, और दूसरा जो है दैट इज फ्लोएम PHLOEM। तो ये जाइलम जो होता है इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, और ये फ्लोएम जो इट ट्रांसपोर्ट्स फूड, ये फूड ट्रांसपोर्ट करता है क्योंकि ये दो वेसल्स है जाइलम विच कनेक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स एंड फ्लोएम विच कनेक्ट्स फूड। तो ये पता है पानी हर एक प्लांट के पार्ट में पहुंचना चाहिए, वो जाइलम के जरिए पहुंचता है, वो मैं आगे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन और करूंगा। और फ्लोएम जो है ये फूड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि फूड जो है ये जो यहां एक मसला है, ये फ्लोएम जो है फ्लोएम वेसल्स जो होती है फ्लोएम टिश्यूज जो होते हैं ये फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये जो होते हैं अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट एंड अपर ग्राउंड ऑफ द प्लांट। अपर ग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट में जो भी आते हैं वो बुजाते खुद गुजा बनाते हैं, मतलब इसमें स्टेम आता है, ब्रांच आते हैं, लीव्स आते हैं, उन पर सनलाइट पड़ती है, वो फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड हासिल कर सकते हैं एटमॉस्फेयर में, वो गुजा बना सकते हैं। जो सेल्स स्टेम में होते हैं वो बुजाते खुद
गुजा बना सकते हैं, ब्रांचेस में जो या होते हैं वो बुजायद खुद गुजा बना सकते हैं, लीव्स में होते हैं वो बुजायद खुद गुजा बना, वहां ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन एक पार्ट है प्लांट में, दैट इज अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, वहां इस फूड को सप्लाई करने की जरूरत, ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत, दैट आर रूट्स। तो रूट्स बुजायद खुद फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं क्योंकि उसमें एक चीज एब्सेंट होता है, दैट इज सनलाइट। जमीन के अंदर सनलाइट नहीं पड़ती है इसलिए वो फोटोसिंथेसिस, रूट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते। इसलिए ये फूड जो होता है, जो अपर ग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में फूड बनता है, वही फूड फ्लोएम के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है रूट्स में, तो वो रूट्स में ट्रांसपोर्ट होता है। तो हो गया ये इस तरह ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू फ्लोएम वेसल्स, थ्रू फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू इस फूड को ट्रांसपोर्ट करता है रूट्स में, तो इस तरह रूट्स तक भी गुजा पहुंचता है। तो उसके बाद रह गया जाइलम। ये जाइलम जो है इट ट्रांसपोर्ट्स, तो ये जो जाइलम जो है, जाइलम टिश्यू जो होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर, वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स। तो अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब वाटर डायरेक्टली, जो अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ इसके लिए क्या होता है, इसके लिए रूट्स होते हैं, जो अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज रूट्स। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट्स दिस वाटर एंड मिनरल्स टू द अपर ग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दैट इज स्टेम ब्रांच एंड लीव्स। तो वो जाइलम के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है। सो वी कैन से दैट जाइलम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स, मैंने बताया जाइलम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स, तो फ्लोएम कैरीज फूड, ये फूड ट्रांसपोर्ट करता है, और उसके साथ साथ इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स, ये हार्मोन्स भी ट्रांसपोर्ट, हार्मोन्स भी यही ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम के जरिए ही हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो अब मसला है ये जाइलम जो है, ये जाइलम जो वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल जो ट्रांसपोर्ट करता है, तो अब इसके दिस जाइलम टिश्यू हैज टू काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। ये जाइलम जो होता है इसके, इसमें दो किस्म के एलिमेंट्स होते हैं, इट हैज टू काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, इसके दो काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। नंबर वन इज जाइलम वेसल्स, एंड नंबर टू इज ट्राइकाइड्स, TRACHIDS, ट्राइकाइड्स। ये दो किस्म के वेसल्स जाइलम टिश्यू में, दो किस्म के वेसल्स होते हैं, एक को हम जाइलम वेसल्स कहते हैं और दूसरे को हम ट्राइकाइड्स कहते हैं। तो ये जो होता है जाइलम वेसल इज ए नॉन लिविंग लॉन्ग ट्यूब, ये जाइलम जो होता है, जाइलम वेसल, ये नॉन लिविंग लॉन्ग ट्यूब होता है विच रन्स लाइक ए ड्रेन पाइप थ्रू द प्लांट। जिस तरह ड्रेन पाइप होती है, इसी तरह एक पाइप होती है जो सारे प्लांट में रन होती है, जो नीचे से ऊपर तक होती है। तो इसके बरक्स अगर हम ट्राइकाइड को हम लेंगे ना, ट्राइकाइड्स आर लॉन्ग थिन स्पाइडल शेप्ड सेल्स, ये ट्राइकाइड जो होती है ये इन जाइलम टिश्यू में सेल्स होती है, ट्राइकाइड्स आर लॉन्ग थिन स्पाइडल शेप्ड सेल्स, लॉन्ग थिन और स्पाइडल शेप्ड सेल्स होती है ये, विद पिट्स इन देयर थिक सेल वॉल्स, तो उनके सेल वॉल्स में थोड़े पिट्स होते हैं, तो इनके जरिए इन जाइलम वेसल्स और ट्राइकाइड्स के जरिए ही पानी रूट से अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट ट्रांसपोर्ट होता है। थोड़ी बहुत मैं आपको यहां इनकी डायग्राम बताऊंगा, ये जो जाइलोविसेल्स होती है इस तरह होती है, ये जाइलोविसेल्स, जाइलोविसेल्स की शेप थोड़ा मैं बताऊंगा आपको,
ये शेप होती है जाइलम सेल्स की, तो इस तरह भी होती है। ये शेप होती है तो ये ज़ाइलोविसेल्स, ये ज़ाइलोविसेल्स होती है, ज़ाइलोविसेल्स की ये स्ट्रक्चर, ज़ाइलोविसेल्स। तो इसमें रिमेन्स ऑफ एंड वॉल्स, इसको कहते हैं रिमेन्स ऑफ एंड वॉल्स, रिमेन्स ऑफ एंड वॉल्स, जो एंड वॉल का एंड होता है, तो यानी कि थिक सेल वॉल, ये जो होता है ये थिक सेल वॉल होता है, थिक सेल वॉल इसमें होता है। तो इसमें पिट्स भी होते हैं, ये पिट्स होते हैं, इनको पिट्स कहा जाता है, पिट्स होते हैं ये ज़ाइलम सेल्स में। इसी तरह ये एक शेप होती है, तो इस तरह होता है, ये ट्राइकाइडस है, इनको पिट्स कहा जाता है, पिट्स और ये ट्राइकाइडस, ट्राइकाइडस होते हैं, तो इनको ट्राइकाइडस कहा जाता है। ये शेप ट्राइकाइडस सेल्स की होती है, ट्राइकाइडस की होती है, और ये ज़ाइलम सेल्स की होती है। तो ये रूट्स से रूट्स ऑब्जर्व करते हैं, और इन्हीं के जरिए ये सारे प्लांट में होते हैं, ये जो या ये ज़ाइलम सेल्स, ये सारे ट्यूब्स होते हैं, ये सारे प्लांट में होते हैं, ड्रेन पाइप्स की तरह सारे प्लांट में टॉप तक के होते हैं या ये बिछे हुए। तो इन्हीं के जरिए जब ये रूट्स ऑब्जर्व करते हैं वाटर, तो इन पाइप्स के जरिए वो पानी प्लांट के हर एक पार्ट तक, हर एक सेल तक पहुंच जाता है, और इस तरह ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स प्लांट्स में होता है। ओके, थैंक यू।